हेलो एवरीवन आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द जीआईटी वॉल एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम ओके तो इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका जीआईटी वॉल में ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द जीआईटी वॉल आ जाता है या आ जाता है कि मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द जी आई टी वॉल लेयर्स एंड एक क्वेश्चन आ जाता है आर शॉर्ट नोट ऑन द एन्ट्रिक नर्वस सिस्टम एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट या फिर आ जाता है कि कट सेक्शन ऑफ द जी आई टी वॉल शोइंग द एंट्रिक न सिस्टम ओके सो आज हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं सबसे पहले है कि जो हम अगर हम जिसे जी है सपोज ये आपका कोई भी इंटेस्टाइन का पार्ट है अगर हम उसकी जो लेयर है इसको हम यहाँ जो हम इसको कट कर दें ले, जो लेयर है इसको जो लेयर है दोनों तरफ से ये ऐसे राउंडेड है इस तरीके से है राउंडेड तो अगर हम इसको कट कर लें तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन फाइन अब इस ट्रांसफर सेक्शन में आप जब कट करेंगे तो आपको कौन कौन से लेयर्स मिलेगी यही है आपका डिफरेंट लेयर्स ऑफ द वॉल तो अगर हम आउटर से इनर जाए बाहर से अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमको जो लेयर्स मिलती हैं नंबर वन सीरोजा उसके बाद हमें मिलती है मसल लेयर ये मसल लेयर भी दो में डिवाइड होती है आउटर लौंगीटूडनर मसल लेयर और इनर सर्कुलर मसल लेयर ओके तो लॉन्गेटनल में लॉन्गीटूनल इनके फाइबर्स फैले होते हैं और सर्कुलर मसल राउंडेड होती है तो उनके जो फाइबर्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं वो अंदर की तरफ होती है उसके बाद आता है सब म्यूकोजा और इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोजा दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ठीक है तो बाहर की तरफ सीरोजा फिर मसल लेयर फिर सब म्यूजा एंड फैट फिर है सबसे इनर मोस्ट है आप इस डायग्राम में देखिए ये आपको कट सेक्शन है जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आपको ये बनाना होता है आपको नॉलेज के लिए भी जानना है जरूरी है कि क्या क्या लेयर्स होती है सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कट सेक्शन ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल ये जो वॉल है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है आप ईसोफेगस से लेके डाउन एनस तक सारी जो लेयर्स है वो सेम होती है ऑलमोस्ट सब में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो बाहर की जो लेयर है सबसे बाहर वो है आपकी सीरोसा उसके बाद जो लेयर है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ओके दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर इसके बाद आपकी है सर्कुलर मसल लेयर ओके okay? और जो ये इनर मोस्ट है ये लेयर है आपकी म्यूकोसा ये मैंने एक पोर्शन का डायग्राम बना दिया है पर अब ये देखिए पूरा सर्कुलर में ये पूरी लॉन्गिट्यून लैसे रहती है फिर ये आपकी सर्कुलर रहती है ये सब म्यूकोसा वाला पोर्शन है हाँ ये जो पोर्शन है मसल लेयर के बाद में दिस पोर्शन इस पोर्शन को हम बोलते हैं सबम्यूकोजा ये जो सबम्यूकोजा पोर्शन है ये बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर है इट इज हाईली वेस्कुलर हाईली वेस्कुलर मीन्स कि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है ठीक है अब क्या है कि जो जी है उसका अपना एक ख़ुद का नर्वस सिस्टम होता है देर आर मल्टीपल न्यूरोस मिलियंस ऑफ द न्यूरस जो कि इसकी लेयर्स के अंदर ही फैले होते हैं और वो बनाते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम ठीक है तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरोस होते हैं दो तरह के प्लेक्सेस होते हैं एक होता है माइट्रिक प्लेक्सिस एक होता है तो जो लॉन्गिटूनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर है इन दोनों के बीच में एक प्लेक्सिस होता है जिसका नाम है माइंट्रिक प्लेक्सिस और, और बैक प्लेक्सिस यहाँ पर ये इस तरीके से प्लेक्सेस होते हैं न्यूरोस ए है, प्लेक्सिस बेसिकली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स तो यहाँ पर वो न्यूरोस के ग्रुप फैले हुए हैं लॉन्गिटूनल मसल लेयर और सर्कुलर के बीच में तो इसी को मैं यही लिख देती हूँ जिसका नाम है आपका माइंटेरिक प्लेक्सिस ओके माइट्रिक प्लेक्सिस या इसका दूसरा नाम उख होता है plexus. Plexus और बैक प्लेक्सिस माइट्रिक प्लेक्सिस और और बैक प्लेक्सिस फाइन फिर सर्कुलर जो ये सबम्यूगोजा लेयर है इस सबम्यूगोजा लेयर में भी कुछ न्यूरॉन्स के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं प्लेक्सिस होते हैं ओके okay. तो इनको हम बोलते हैं सब प्लेक्सिस दे आर सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और सब म्यूकोजल प्लेक्सिस का ही दूसरा नाम है मिजनर्स प्लेक्सिस ओके तो लेयर्स में सबसे बाहर सिरोजा फिर लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर फिर सर्कुलर मसल लेयर फिर सब म्यूकोज़ा एंड देन म्यूकोजा लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में जो है माइंट्रिक प्लेक्सिस और, और बैक प्लेक्सिस और सबम्यूकोजल लेयर में है आपके सबमिकोजल प्लेक्सिस याद रखने के लिए सिंपली याद रख सकते हैं कि सर्कुलर मसल के बाहर मैंट्रिक है और अंदर की तरफ मीज नर्स प्लेक्सिस है आप देख सकते हैं सर्कुलर मसल के बाहर की तरफ मैंट्रिक और अंदर की तरफ मीजनर्स प्लेक्सिस और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस है यही आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम बनाता है ओके तो जो जी की वॉल है जी कैसे कंट्रोल होता है बेसिकली वो अभी हम डिस्कस करेंगे ओके एंट्रिक नर्वस सिस्टम में आपके पास दो प्लेक्सेस हैं सो एंट्रिक नर्वस सिस्टम हैज टू प्लेक्सेस वन इज माइंटरिक प्लेक्सेस एंड अनदर इज मीजनर्स प्लेक्सिस दोनों प्लेक्सेस हैं और इनमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स हो सकते हैं माइंटरिक प्लेक्सेस इज बेसिकली फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ये जो जी का कॉन्ट्रैक्शन है उसको कराता है एंड बिजनर्स प्लेक्सिस इज बेसिकली फॉर सिक्रीशन जो एंजाइम का सिक्रीशन है वो सब सिक्रीशन बिजनर्स प्लेक्सिस की हेल्प से होती है मतलब ये बेसिकली नर्व्स है न्यूरॉन्स हैं न्यूरोस का ग्रुप है और जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कराता है जैसे पैरस्टाइलसिस करा रहा है जी का कॉन्ट्रैक्शन है वो माइट्रिक प्लेक्सिस कराता है ठीक है तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ये अपना खुद का इसका एक एंट्रिक नर्वस सिस्टम है ये खुद इस लेयर्स में फैला हुआ है इसको हम बोलते हैं गट ब्रेन ऑफ गट कि गट का अपना खुद का ब्रेन है तो गट ऑफ ब्रेन कह सकते हैं या इसको हम बोलते हैं सेकेंड ब्रेन ओके ये अपना खुद भी काम करता है इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है इंडिपेंडेंटली वर्क जैसे अगर आप जी को कट जी आई सपोज करें इंटेस्टाइन के एक पार्ट को आप कट कर दें और कट करके आप किसी एक फ्लूड में रख लें इसे सपोज करो आपने यहाँ पर एक इस कट करके एक इंटेस्टाइन के पार्ट को आपने एक फ्लूड में रख लिया जो कि मतलब जैसा हमारे अंदर जो पी एच होती है उस उसी जैसा हमने एक फ्लूड रख लिया तो ये ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहे बाहर भी एक कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन करता रहेगा इसका मतलब इसके अंदर खुद एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करा रहा है वो इसलिए होता है कि इसकी जो लेयर्स है इसकी जो वॉल है उसी के अंदर प्लेक्सिस होते है न्यूरोन्स फैले होते हैं जिसमें माइंट्रिक प्लेक्सिस है और मिस प्लेक्सिस है ठीक है तो ये इसका एक मतलब कॉन्ट्रैक्शन को मेटे तो अपना खुद का इसका ब्रेन है तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद पूरा इंडिपेंडेंटली कर रहा है दिट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंस रहता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये इन्फ्लुएंस रहता है जैसे आप यहाँ पे देखें डायग्राम, ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम का डायग्राम है ये दो प्लेक्सिस हैं क्योंकि बाहर से अगर मैंने जैसे ऐसे बाहर की वॉल लिया है ये अंदर आपकी पीथीलियम है अंदर की तो बाहर में जैसे मैंने बनाए ये माइंट्रिक प्लेक्स है रेड कलर वाले प्लेक्सिस हैं न्यूरॉन्स हैं देखो आपने इसमें मैंने सेल बॉडी बनाई है उनका एंड बनाया सेल बॉडी और एंड आप इनको कहीं भी बना सकते हैं मतलब ये ग्रुप होता है और ये इस तरह से नेटवर्क की तरह से मैश नेटवर्क की तरह फैले होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है आपको को सीधा सीधा बनाना है कोई इधर है कोई इस तरीके से प्लेक्सिस होता है दूसरा बिजनर्स प्लेक्सिस है वो भी ऐसे न्यूरस हैं और हेफेजर्डली है वो फैले होते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं सिंपथैटिक दोनों को सप्लाई करता है माइंटिक को भी और बिजनेस को भी पैरासिम्पैथैटिक भी दोनों को सप्लाई करता है लेकिन जी में ऑटोनोमिक सर्वस सिस्टम जो पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम है जीआईटी में वो एक्साइटेटरी होता है मतलब वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है सिक्रीशंस को भी बढ़ाता है और वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाता है थ्रू द हेल्प ऑफ माइन्टिक प्लेक्सेज सिंपेथेटिक जो होता है वो इनिबिटरी होता है कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करता है थ्रू माइन्टिक प्लेक्सेज और सिक्रीशन को भी कम करता है थ्रू द Uh, ठीक है तो पहले हम ऑटोमिक नर्वस सिस्टम के सारे पॉइंट्स देख लेते हैं तो ये दोनों से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है सिम्पेटिक एंड पैरा से इंफ्लेंड होता है इसमें मिलियंस ऑफ होते हैं न्यूरो okay? और इसमें मैंट्री के जो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जी आई टी स्मूथ मसल्स जो स्मूथ मसल की जी आई टी कॉन्ट्रेक्शन है तो वो पेरेस्टाइलसिस भी करा सकता है स्टेलिस का काम कराता है जो डिस्टेंशन ऑफ द जीआईटी है वो करा रहा है मतलब सारे काम ये इंडिपेंडेंटली करा सकता है जो जीआईटी में जो भी रिफ्लेक्सेस हैं उनको कराता है जीआईटी में जो सिक्रीशंस हैं उनको करा रहा है सिक्रीशंस के लिए कौन सा प्लेक्सिस है गुड मिजनर्स प्लेक्सिस है मिजनर्स प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या है सब्कोजल प्लेक्सिस है और मैंटिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या है ऑर्बेक प्लेक्सिस है ओके okay. फिर इसमें मोर देन थर्टी न्यूरो होते हैं न्यूरो मतलब जो केमिकल्स जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं जैसे एसीटाइल कोलिन हमारा एक न्यूरो है तो इसमें बहुत सारे न्यूरो होते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल मैं कुछ इसमें एग्जाम्पल्स लेती हूँ इंपॉर्टेंट जैसे एसीटाइल कोलिन एसीएच लिखते हैं एसीटाइल कोलिन घू एसिटाइल कोलिन ओके एक होता है वी आई पी वी आई पी इज वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पैप्टाइड वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पैप्टाइड एनओ इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड सब्सटेंस पी uh, इसको ऐसे लिखते हैं सब्सटेंस पी पी भी एक फैक्टर होता है सब्सटेंस पी देन सेरोटोनिन सेरोटोनिन भी होता है इसके अंदर सैरोटोनिन डोपाम गाबा गाबा इज गाबा की फुल फॉर्म बाद में आ रहे हैं गाबा गामा मीनो व्यूटैरिक एसिड होता है गाबा ओके okay? एनकेफिलिन एनकेफिलिन ओके एक्सेट्रा बहुत सारे हैं आपको जितने याद रहे एग्जाम में आप लिख सकते हैं बट दीज आर समलकोलिन वैसोएक्टिव एंटेस्टल पैप्टाइड नाइट्रिक ऑक्साइड सब्सटेंस पी सेरोटोनिन डोपामिन गाबा एनकेफिलिन सो दीज आर फ्यू वन ओके तो ये आपका ब्रेन ऑफ गट है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और ए एन एस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से भी अफेक्टेड होता है पैरेस्टाइलिस डिस्टेंशन जीआईटी की सारी चीजों को ये करा सकता है ओके दूसरी बात इनरवेशन में दो चीजें जीआईटी के इनर्वेशन में एक तो एंटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और दूसरा सिंपैथेटिक और पैरासिंपथेटिक कंट्रोल करते हैं अब इसमें सिंपथेटिक जो है वो कहाँ से आता है थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना जरूरी है जो सिंपैथेटिक है ये क्या करता है आप स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ आपकी चेन्स चलती होती है सिंपैथेटिक चेन ओके तो सिंपेथेटिक चेन से इसके फाइबर्स आते हैं और वो मिलाते हैं तीन गैंग्लियंस और वो तीन गैंग्लियंस का नाम आपको याद रखना है फाइनली उन्हीं से न्यूरॉन्स जाते हैं जीआईटी के डिफरेंट पार्ट में और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं तो वो है एक तो सिलियक गैंग्लियन सीलियक गैंग्लियन गैंग्लियन मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरोन जो न्यूरोन्स मिलकर गुच्छा सा बना देते हैं उसी को हम गैंग्लियन कहते हैं तो सिलियक गैंग्लियन सुपीरियर मिजेंट्रिक गैंग्लियन सुपीरियर मिजेंट्रिक गैंग्लियन ओके एंड इनफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन है गैंग्लियन सुपीरियर ये कैसे नाम याद रख सकते हो जो जी टी को एक फाइबर्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी वॉल से कनेक्ट करती है उसको हम मिजेंट्रिक कहते हैं उसी के नाम से है सुपीरियर मिजेंट्रिक एंड इन्फीरियर मिजेंटिक तो सिलियत गैंग्लियन सुपीरियर मिजेंटिक और इन्फीरियर मेजेंटिक गैंग्लियन उन्हीं के थ्रू ये इन माइंट्रिक प्लेक्सिस को और मिजनर्स प्लेक्सिस को सप्लाई करता है और जीआईटी के डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करता है ठीक है और इसका काम क्या है इट डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआईटी यानी डिक्रीज द पेरिस्टालसिस एंड ऑल एंड आल्सो इट डिक्रीज द सीक्रेशंस इट डिक्रीज द सीक्रेशंस ऑफ जी एंड इट डिक्रीज दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जी आई टी फाइन पैरासिंपेथेटिक में याद रखना है आपको पैरासिंपेथेटिक में दो सप्लाई है वैगस सप्लाई है और पेल्विक नर्व के थ्रू सप्लाई है फाइन जो ट्रांसवर्स कॉलो है हमने पढ़ा एसेंडिंग कॉलोन ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन तो ट्रांसवर्स कॉलोन तक जो वैगस पैरासिम्पेथेटिक की सप्लाई है वो वैगस से जाती है और ट्रांसवर्स कॉलोन के बाद ट्रांसवर्स कॉलोन के बाद कौन कौन आएगा डिसेंडिंग कॉलोन सिग्मोइड कॉलोन रेक्टम और एनस उनकी सप्लाई आपकी पैल्विक नर्व से है तो ट्रांसवर्स कॉलोन तक सप्लाई ओरल से लेके माउथ से लेके ट्रांसवर्स कॉलोन तक वैगस करती है पैरासिपेथेटिक की सप्लाई जी आई टी को और हम जानते हैं जो नीचे वाले एरियाज उनको पेल्विक कहते हैं। तो उसके हिसाब से याद रख सकते हो कि जो ट्रांसोस्कोल के बाद नीचे बाकी है वो के होती है। और क्या करता है सिक्रीशन ऑफ जी आई टी तो आप कह सकते हो इट इज एक्साइटेटरी फॉर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये एक्साइटेट्री सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है पैरिस्टेलसिसिस को भी जो पैरासिम्पैथैटिक है वो बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन को डिक्रीज़ करता है ज़्यादातर चीज़ों के लिए इनिबिट्री होता है जैसे हार्ट रेट पे पैरासिम्पैथेटिक उसकी हार्ट रेट को कम करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है आपके रेस्पिरेटरी रेट को भी कम करता है लेकिन जीआईटी आई एक ऐसी चीज़ है जो ऑर्गन है जो कि पैरासिम्पैथेटिक इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है कॉन्ट्रैक्शंस को भी बढ़ाता है और इसमें जो सिक्रीशन्स हो रहे हैं उनको भी बढ़ाता है डाइजेशन में हेल्प करता है ठीक है और सिंपेथेटिक हमेशा इसका उल्टा इफेक्ट करता है यानी डिक्रीज इज द कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज इज द सीक्रेशंस ऑफ द जी और ये इनिबिटरी है जी के लिए ठीक है तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा कट सेक्शन पढ़ा हमने जी का जिसमें सीरोजा उसके बाद मसल लेयर उसके बाद आपका ये मसल लेयर एंड देन सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा माइट्रिक प्लेक्सिस पढ़ा मिजनर्स प्लेक्सिस पढ़ा ओके okay? और हमने हमारा जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है तो इस एंट्रिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि अपना खुद का एक ब्रेन ब्रेन ऑफ गट है इसको हम सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं और ये कहाँ पे होते हैं जो जीआईटी की लेयर्स है उन्हीं में न्यूरॉन्स फैले होते हैं उनके प्लेक्सेज होते हैं और ये मिलियंस ऑफ न्यूरस होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूरस होते हैं ठीक है और इनमें माइन्ट्रिक प्लेक्सेज मिजनर्स प्लेक्स एक कॉन्ट्रैक्शन कराता है एक सिक्रीशन कराता है ठीक है ये कहाँ होता है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल लेयर एंड दिस इज़ बिट इन द सम्यू होजल लेयर और ये आपके आ, सारी चीज़ों को ये जो आपके एक्टिविटीज़ हैं इनको कराता है इनके कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ये आपको जानने जरूरी है ठीक है तो दीज आर ऑल अबाउट द अच्छा इसी एंट्रिक नर्वस सिस्टम में ही ना इसकी पेसमेकर सेल भी होती है जी आई टी की ठीक है तो अमंग द एंट्रिक नर्वस सिस्टम इसकी होती है पेस मेकर सेल ऑफ़ जी आई टी पेस मेकर मतलब जो इसकी पेरिस्टाइलिस को शुरू करता है तो पेस मेकर ऑफ द जी आई टी इज़ याद रख लेना आप आईसी आईसीसी का मतलब होता है इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ कैजाल पे जी आई टी है वो भी एंट्रिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही बीच में वो सेल्स होती हैं जो इस पेरिस्टेलिस को स्टार्ट कराती हैं ओके तो कट सेक्शन और एंट्रिक नर्वस सिस्टम आपका ये चीज़ें आपको लिखनी है डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इनका ये डायग्राम्स व बना के देखना ओके थैंक यू